छेरछेरा छत्तीसगढ़ का लोक त्योहार है जो पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पौष पूर्णिमा से लगभग 15 दिन पहले से ग्रामीण टोली बनाते हैं जो लकड़ी के डंडे लेकर मांदर, झांझ, मंजीरे और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पारंपरिक लोक गीतों की धुन में घर घर जाकर नृत्य करते हैं। छेरछेरा त्योहार को नए फसल कटने की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि किसान धान की कटाई और मिसाई पूरा कर लेते हैं और लगभग 2 महीने फसल को घर तक लाने, जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, उसके बाद फसल को समेत लेने की खुशी में भी इस त्योहार को मनाने की बात भी कही जाती है। इस पर्व के संबंध में पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार खेतों में काम करने वाले मजदूर जी तोड़ मेहनत करते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो उस पर खेत का मालिक अपना अधिकार जमा लेता है। मजदूरों को थोड़ी बहुत मजदूरी के अलावा कुछ नहीं मिलता। दुखी होकर मजदूर धरती माता से प्रार्थना करते हैं। मजदूरों की व्यथा सुनकर धरती माता खेत के मालिकों से नाराज हो जाती है, जिससे खेतों में फसल नहीं उगती। धरती माता किसानों को स्वप्न में दर्शन देकर कहती है कि फसल में से मजदूरों को भी कुछ हिस्सा दान में दे, तभी बरकत होगी। इसके बाद जब फसल तैयार हुई तो किसानों ने मजदूरों को फसल में से कुछ हिस्सा दिया। कालांतर में धान का दान देने की परंपरा बन गई। आज भी ग्रामीण इलाकों में इस परंपरा का पालन श्रद्धा भाव से किया जाता है। छत्तीसगढ़ का ये पर्व न केवल सांस्कृतिक बल्कि धार्मिक महत्व का भी पर्व है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी, इसलिए लोग धान के साथ साग भाजी फल का दान भी करते हैं। छेरछेरा उत्सव के दिन शाकंभरी देवी की पूजा विधि विधान से बताया गया है। शाकंभरी देवी की पूजन विधि विधान से करने के बाद धन की प्राप्ति होती है। छेरी 6 जोड़ अरी से मिलकर बनी है। मनुष्य के 6 बैरी काम, क्रोध, मोह, लोभ, तृष्णा और व्यवहार हैं। बच्चे जब कहते हैं कि छेरी छेरा छेर मरकनीन छेर छेरा, तो इसका अर्थ है कि हे मकरनीन यानी देवी, हम आपके द्वार पर आए हैं। कोठी के धन को देकर हमारे दुख और दरिद्रता को दूर करे। यही कारण है कि महिलाएं धान, कोदो के साथ सब्जी और फल दान कर याचक को विदा करती हैं। छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा, यही आवाज आज प्रदेश के ग्रामीण अंचल में गूंजी और दान के रूप में धान और नगद राशि बांटी जाती है।